ये रॉबिन अलग रहेगा? नहीं नहीं, रॉबिन तो काफी ज्यादा बिहेवियर वाइज सेटल हो चुका है, बहुत खुशी खुशी वो गौरव के साथ वॉक्स पे जाता है, पोल एंड रोप पे नहीं, नो नो लीश पे, बहुत सही से जा रहा है, क्योंकि हैंडल कर पा रहा है अच्छे से, तो कॉलर भी लग जाएगी। सब लोग रेजिडेंट से मिलना चाह रहे थे, पर बारिश इतनी है तो जितने ये इकट्ठे हो रखे हैं, मैं आपको इनसे तो मिलवा ही देता हूँ, फिर हम पीछे चलते हैं। बेटी जी अभी भी प्रेग्नेंट है, दो लोगों का खाना खा रही है, इस मंथ के एंड तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। चार्ली भी आजकल यहीं पे है, क्योंकि पीछे हो रखी है बहुत ज़्यादा मिट्टी, मीमी को बाद में ही देना पड़ेगा, ये बेटी जी इसको खाने कहाँ देती है। चिंगारी पहले आप ये कितना डरती थी, अब ये हाथ भी लगाने देती है। ये हमारे बाकी के बकरे संजू भाई साहब, ये पीछे राजा है, पर राजा डरता है, ये छोटा है, इसको सब बुली करते हैं, इसको भी बाद में अलग से ही खिलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से चतुरसेन और नूरी अंदर हैं। ये ले तू खा ले पहले यार, ये रही नूरी और ये रहा चतुरसेन। चतुरसेन आजा जी, बच्चा खा ले, इनको खिला के फिर मैं आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ। ओह आ गया राजा, खा ले, ये गिर गया था, ये ले। राजा बड़ी जल्दी नाराज हो जाता है भाई, अगर इसकी बात ना मानो ऐसे मुंह फुला के बैठ जाता है पूरा दिन। जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया था उन्होंने इसको बिगाड़ रखा था, फिर वैभव ने फॉस्टर किया, वो भी उसका भी ये लाडला ही था। इधर है रोटी, इधर है। मैं कुछ कहता हूँ, हो सकता है आपको जजमेंटल लगे, लोगों को कहते हैं ना हाँ भाई एकदम मीट खाने में बड़ा अच्छा लगता है, बकरों को खाने में मज़ा आता है, कभी बकरों को खिला के देखिए उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज खाता था ना पहले, छोड़ दिया मैंने, अब मैं इनको खिलाता हूँ। जो स्किन केस वाली डॉग है उससे तुम मिलवा सकती हो? वो निकलना ही प्रेफर नहीं करती, बहुत शाय और बहुत डरपोक डॉग है, इस कैनल में है लेकिन वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। वो आम गिरा है। इस समय मैंगो सीजन चल रहा है तो हम बड़े सारे जो आम इकट्ठे करके अपने एनिमल्स को स्नैक दे रहे हैं, इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा सर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो रही है और खुद को इंजर कर ले रही हो। अभी तो हमने एंटीबायोटिक टैबलेट्स पे रखा है ऐसे, क्योंकि इसको काफ़ी इंजरी हो गई है, जो स्किन कंडीशन के लिए फर्स्ट आयोमेक्टिन का डोज था वो उसी दिन दे दिया गया था, अभी हम सिर्फ ओरली इसको ट्रीट कर रहे हैं। बारिश भी है तो मेडिकेटेड बात वगैरह पॉसिबल नहीं है, शरीर में घाव भी है इसके, तो फॉर सम टाइम जब तक ये रिलैक्स हो जाए हम इसको ऐसे ही ट्रीट करें। पर ये जब ठीक हो भी जाएगी, ये सड़क पे जाएगी तो इसके रिलैप्स के चांसेस अगेन हो जाएंगे, लेकिन जो केयर टेकर है एटलीस्ट वो मेंटेन कर सकती है ना उस चीज को। नरगिस को देख के मैं डिसहार्डन होता रहता हूँ कि वो पूरी ठीक हो गई थी फिर वो रिलैप्स हो रहा है उसका। इसका एकमात्र समाधान जो यही है कि भाई हम स्टरलाइजेशन जितनी हो सके करें। अभी हमारी टीम भी स्पीति से स्टरलाइजेशन करके ही आई है। ये इसने अपना गैंग बदल लिया संजू ने चिंगारी के साथ। आजकल चिंगारी और चार्ली भी बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं ना, चिंगारी वेट करती है चार्ली के आने का, तो कैसे पता जब वो आता है वो बहुत जोर जोर से हल्ला करती है जैसे पहले चार्ली करता था संजू के लिए, अब ऐसे चिंगारी करती है बिल्कुल 5 बजे। मुझे तो लगता है जो हम काउ सैंक्चुरी अभी बनाएंगे अस्पताल का, एक बारी काम खत्म हो तो वहाँ पे काउज आए उससे पहले तो ये खच्चर और बकरे ज्यादा घूमेंगे। अब मैं आपको पीछे वाले रेजिडेंट से मिलवाता हूँ जिनमें से कईयों की आवाज़ तो आपको आ रही होगी। बाय द वे दिलवर भैया रविंदर यहाँ पे इस समय सारा घास निकाल रहे हैं, बरसातों में हमारा ये घास निकालने का और प्लांटेशन का काम बढ़ जाता है, पर हमारे को एक मौका मिल जाता है कि हम अपने जानवरों को थोड़ा मोटा ताज़ा कर सके। सबसे पहले मैं आपको सुंदर से मिलवाता हूँ। सुंदर के लिए जो न्यूज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम उसको एक एक्सपेरिमेंटल दवाई दे रहे थे लेनोमैक्स करके उसके कैटरैक्ट्स को घोलने के लिए, शुरू में तो उसने काम किया पर अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। बाय द वे इन्हीं लोगों की आपको आवाज़ आ रही थी, ये है अमरप्रीत अकबर एंथनी और किट किट। ये घास में बाहर ले जाता हूँ, सुंदर को थोड़ी रोटी और ब्रेड दे दें। ये ले सुंदर, ये रहा हमारा सारा बाकी का गैंग, भोला टोफू सरगम चाचू चंद्रकांत अहिल्या नैनो वूली येरी मोरिंगा। बाय द वे यहाँ पे खूब बड़ा सा नाग घूम रहा है आजकल, वो 2-3 बारी ऊपर कभी टंकी से कभी पेड़ से नीचे गिर चुका है, उसको देख के उस दिन टोफू और मोरिंगा इतना डर भी गए थे। आ जाओ बच्चा, भूली बदमाश बंदन, ये रहा सरगम छोटू, सरगम ले
चरणदास, अरे ठीक है बस। और अब हमने आपको कहा था कि हम झोला के आपको क्लिप्स उनके अडॉप्टर से मंगवा के दिखाएंगे, वो हमने अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आज डाले हैं, तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे हमारी स्टोरीज देखिए। स्पीति में तो हमारी टीम ने रॉक स्टार्स वाला काम किया, 14,000 फुट की ऊंचाई पे जहाँ पे चलने में सांस फूल जाती है, वहाँ उन्होंने भाग भाग के एक महीने के अंदर 180 कुत्ते पकड़ के स्टरलाइज किए। ये नंबर थोड़ा और ज़्यादा होता अगर और ज़्यादा लोकल फीडर्स वहाँ पे होते, क्योंकि उससे कुत्ते पकड़ने में हमारी मदद हो जाती। बाय द वे, हमारी सारी सर्जरीज हुई हैं प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ, जो पोस्ट ऑप सेंटर हमने सेटअप किया था एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे। हमारा टारगेट था 150 डॉग और हमारा प्रति डॉग खर्चा आना था करीब 4,000 रुपये, पर क्योंकि हमने टारगेट से ज़्यादा सर्जरीज करी हमारा औसतन खर्चा 3,500 रुपये आया। और इसमें भी अधिकांश खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि हमको केनल्स बनवाने पड़े, हमारे जो आने जाने का खर्चा था और वहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब क्योंकि हमारे देश में कुत्ते ज़्यादा हैं और संसाधन कम, तो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होंगे जब सारे रिसोर्सेज एक छोटी जगह पे केंद्रित किए जाएं और साथ ही साथ और अनुभवी रिसोर्सफुल और हिम्मती लोग इस कॉज से जुड़े। एक तुम्हारे पास पपी भी था ना, बहुत ज्यादा शैतान था। बहुत ज्यादा, ये हमने रेस्क्यू किया था डरम से। पपी बहुत ही ज्यादा डरपोक था, इसलिए बाइट बहुत ज्यादा कर रहा था और उसको हैंडल करने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसका इंजरी बहुत ही छोटा सा था, बस पैर में थोड़ी दर्द थी, तो हमने पेन किलर्स लगा दिए थे उसको, और जब वो बेटर फील कर रहा था, पैर जगा रहा था, तब हमने उसको वापस रिलीज कर दिया। और एक टीवीटी वाला डॉग भी है ना, जमानाबाद से रेस्क्यू किया था। टीवीटी काफी आगे के स्टेज पे पहुंच चुका है, को विनक्रिस्टीन के 5 डोजेस एटलीस्ट चाहिए ही। शुरुआत में तो खाना नहीं खा रहा था डॉग, लेकिन जब उसके केयरटेकर आए यहाँ उससे मिलने, क्योंकि हमें उन्हें इन्फॉर्म किया था, उसको खुद से बिस्किट वगैरह खिलाया, अब डॉग खाना खा रहा है, पहले से बहुत बेटर। तो जब आप लोग जैसे लिव 52 दे रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि ये जब एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चलता है ना, तो भूख खत्म हो जाती है, तो इसके लिए हम लिव 52 देते हैं तो उससे बात नहीं बन रही थी। दो ही दिन हुआ था, लेकिन हम फिर भी चाह रहे थे कि डॉग रिलैक्स हो जाए, थोड़ा स्ट्रेस में फील हो रहा था, तो इसलिए हमने उसके केयरटेकर्स को बुलाया था, जो कि वर्क किया, अब डॉग खाना खा रहा है आराम से। तो अगर और रेस्क्यूज नहीं है तो आप मुझे रिलीजेस का बता दोगे? हमने रिलीज इस बार आयुषी को कर दिया और मिस्टर सूट। वेट, आयुषी की तो वो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि वहाँ पे वो लोग उसको कह रहे थे कि आप इसको कहीं और छोड़ दो, हम रिलोकेट कर देंगे। हाँ सर, वो प्रॉब्लम तो थी क्योंकि वो लेडी ऑलरेडी 5 डॉग्स को रिलोकेट कर चुकी थी, हम आयुषी के लिए डर रहे थे, इसलिए फर्स्ट डे तो हमने आयुषी को वापस बुलवा लिया। विदुषी जो उसकी केयरटेकर थी ऑलरेडी, उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन बाद इसको अपने घर ले जाऊंगी, तो अभी आयुषी फॉस्टर हो रही है एंड फिर विदुषी के साथ वो उसके घर चली जाएगी। मिस्टर सूट, हाँ, जो कि एक्चुअली लड़की है, रॉन्गली नेम, थैंक्स टू मी। हाँ सर, उसका स्पेस सर्जरी अच्छे से हो गया था, उसका एम्पिटेशन का हीलिंग अच्छे से हो गया था, उसको भी हमने रिलीज कर दिया। एक जगह तो ललित ले रहा है जो फिर वापस अंदर आ गया है। हाँ सर, लेकिन वो अभी बाहर आउटपेशन में आराम से बैठा रहता है, थोड़ा देर रखना ही पड़ता है, अदरवाइज वो बार बार जम करके आता है, उसको कम से कम 2 घंटा यहाँ रखो फिर उसको बाहर छोड़ो, तो दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका एक विजिट जरूरी है दिन भर में। तो मतलब गूगल फेसबुक पे हमारे जो 5-स्टार रिव्यू हैं, मतलब वो ये लोग भी पढ़ रहे हैं। आप कहते ना कि मास्टर जी और रॉबिन, इनकी वजह से अब जो सारी जो अडॉप्शन कॉल्स हैं वो ये ब्रीड डॉग्स पे केंद्रित हैं। बेसिकली तो सिर्फ और सिर्फ रॉबिन के लिए कॉल आ रही है, सिर्फ मास्टर जी के लिए भी नहीं। नहीं सर, जब लोगों को एक हेल्दी से रॉटवीलर मिलेगा अडॉप्शन में, तो वो फिर तो उस पर ही पूरा फोकस हो गया। इवन हमारे जो फॉर्म्स भरते थे लोग, वो भी सिर्फ और सिर्फ रॉबिन के लिए भर रहे हैं, जो मैसेजेस जो कॉल। मेबी उसका जस्ट नाम अच्छा है। Anyway, तो चीटी भी तो अडॉप्ट हुई ना लेकिन इस हफ्ते। हाँ, वो तो लोकली धर्मशाला से कॉल आई थी हमें, और उस टाइम पे उनको पपी ही चाहिए था, रीसेंट उनके एक ओल्ड डॉग की डेथ हुई थी, तो वो अपने साथ आराम से उसको बड़ा करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने पपी ही चूज किया, लेकिन और कोई कॉल नहीं है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं ना, और आप हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हैं, तो आप हमारे को कॉल करिए 9882161677 पे। आप हमसे कोई भी एक डॉग अडॉप्ट करते हैं तो उसकी जो जगह है उसमें हम दसियों की मदद कर सकते हैं। सहारा की सर्जरी हो गई है? नहीं सर, इस बार भी वही प्रॉब्लम हो रही है कि वेदर के वजह से हमको उसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि उसको इंटरनल कोई पेन या प्रॉब्लम नहीं है, जिसके वजह से हम सर्जरी पोस्टपोन भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा खास, और वो वैसे भी हमारी अडॉप्टेड ही है, क्योंकि हम सर्जरी के बाद उसको बाहर नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो बाहर जाएगी, वो प्रेग्नेंट होगी एंड हाँ, वो हर्निया फिर से बढ़ सकता है उसका गड़बड़। हाँ सर, वो पपी का मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि नॉर्मली पपीज हमारे यहाँ से रिलीज नहीं होते हैं, लेकिन जो गड़बड़ था उसके केयरटेकर खुद आए उसे वापस लेने, गड़बड़ की रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत जल्दी। प्रॉब्लम क्या थी उसकी? सर उसका थोड़ा सा नर्व इशू था,
जिसकी सिरप्स कंटिन्यूस चली तो बहुत अच्छी रिकवरी हुई। जो पहले वो उसका बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा वियर्ड था, बीच में फिट्स आते थे, वो सारा कुछ ठीक हो चुका था। एक बात जो बतानी रह गई थी वो थी गुड बॉय के बारे में। उसको हमने वापस उसी एरिया में रिलीज़ कर दिया है। उस गांव के ही एक लोकल रेसिडेंट ने उसकी केयर टेकिंग की जिम्मेदारी भी ले ली है और हमने साथ में जो उसके इन्फॉर्मर्स थे उन्हें भी बता दिया है कि डॉग वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है।